जिनका आधार कार्ड बना हुआ है उनके लिए गवर्नमेंट द्वारा एक नई अपडेट जारी किया गया है। वो अपडेट ये है कि आपको अपने आधार कार्ड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, मतलब उसको मजबूत करना पड़ेगा। तो मजबूत करने के लिए आपको कौन से प्रोसेस को फॉलो करने पड़ेंगे और कौन से वो नया अपडेट जारी किया गया है जिसके लिए जिनके भी आधार कार्ड बने हुए हैं सभी के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आपको कंप्लीट देखना होगा। अगर आपके पास भी आधार कार्ड का मात्र 2 मिनट या 5 मिनट का टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपडेट है और आप अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते तो आपको हमेशा के लिए बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको अपना आधार कार्ड को कैसे अपडेट करना है, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, इस वीडियो में कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप को आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो अगर आपका भी आधार कार्ड बना हुआ और आप भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं अपने आधार कार्ड को, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। और उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं, नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई सा ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ आपको टाइप करना होगा UIDAI, ठीक है। आप कहाँ पे UIDAI लिख के सर्च कर देना। जैसे आप इतना लिख के सर्च करिएगा तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, वेट करने के बाद देखिएगा आपके सामने कुछ ही तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको देखने मिलेगा UIDAI.gov.in, आपको पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे पहले वाले लिंक पर क्लिक करिएगा तो फिर आपके सामने देखिएगा कुछ ही तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा तो आप यहाँ पे UIDAI पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगा। उसके पहले आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे एक चेकबॉक्स का ऑप्शन देखने मिलेगा, सॉरी यहाँ पे कुछ पॉपअप शो करेगा, तो इसको कट कर देना है, कट कर दीजिएगा। इसके बाद नीचे आइएगा तो आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने मिलेगा। आपको यहाँ पे ऊपर आना है, ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 3 लाइन, आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइन पर क्लिक करिएगा यहाँ आपको देखने मिलेगा आधार सर्विस, सॉरी माई आधार या आधार। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो एरो का निशान देखने को मिल रहा है आपको इसी एरो वाले निशान पर क्लिक कर देना। जैसे एरो वाले निशान पर क्लिक करिएगा, फिर उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा आधार सर्विस, तो आपको इस आधार सर्विस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आधार सर्विस वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो नया पेज ओपन हो जाएगा, देखिएगा थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। वेट करने के बाद देखिएगा आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने मिलता है, आपको कहीं भी एक पे क्लिक कर देना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं वेरीफाई आधार, तो आप भी वेरीफाई आधार वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेगा नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे नीचे जाइएगा तो ये सब जो सर्विस है आपको यहाँ पे, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं तो भी आप यहाँ इस सर्विस का लाभ ले सकते हैं। और यहाँ जो नीचे सर्विस देखने को मिलता है, यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर में लिंक होना चाहिए आधार, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो ही आप इन सर्विस का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ से हमको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऊपर आना, ऊपर आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाना, यहाँ अपना आधार नंबर टाइप करिएगा, यहाँ कैप्चा कोड टाइप करेगा, सेंड ओटीपी क्लिक करेगा, आपके मोबाइल नंबर को ओटीपी को सेंड किया जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना है, लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से लॉगिन हो जाए। फिर देखिएगा आपके सामने आपका पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ आप लॉगिन हो जाएगा अपने आईडी पे, आपके अपने आधार कार्ड पर। यहाँ देखिएगा प्रोफाइल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करना है, आपको नीचे आना है, और नीचे आएगा तो नीचे आपको थोड़ा सा और नीचे आना है, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो डॉक्यूमेंट अपडेट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जो डिस्क सर्विस इज फ्री और कॉस्ट 14/9/2023, मतलब ये जून तक अभी किया गया था लेकिन अभी इसको बढ़ा के 14 जून तक कर दिया गया है, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे 14/9/2023 तक कर दिया गया है, पहले ये 6वें महीने में खत्म हो जाता लेकिन अब ये इसको इसका डेट बढ़ा दिया गया है। तो आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ से आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब यहाँ से अगर आपके आधार कार्ड में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा, तो यहाँ से आप अपडेट कर दीजिएगा अपना आधार कार्ड, सॉरी यहाँ पर अपना जैसे राशन कार्ड हो गया, अपना पैन कार्ड हो गया, अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, यहाँ से अपडेट कर सकते हो। कैसे करना है उसके लिए डॉक्यूमेंट अपडेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ के बाद आपको नेक्स्ट करना है, फिर से आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद आपको डिटेल देखने को मिलेगा, चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इतना क्लिक कर लीजिएगा तो आपका ये सारा नंबर जनरेट हो जाएगा। यहाँ आपको देख लीजिएगा गाइडलाइंस बताया गया है कि आपको कितने डॉक्यूमेंट कितने MB का रहना चाहिए और कौन से फॉर्मेट में रहना चाहिए। इसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आपको देखने मिलता है वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं, जैसे अगर ड्राइविंग लाइसेंस लगाना चाहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करिएगा, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ आपको ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर देना, अपलोड करने के बाद फिर आपको नीचे आना, नीचे आपको देखने मिलता है PO प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आप जो भी देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं, जैसे कि अगर पासपोर्ट देना चाहते हैं, पैन कार्ड देना चाहते हैं। यहाँ पे देखिएगा बहुत सारी सर्विस आपको यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए वोटर आईडी भी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे वोटर आईडी को जैसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, वोटर आईडी को यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करना, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, आपको 1 रुपये भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा और यहाँ आपका अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने से ये हो जाएगा कि आपका आधार जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।